किसानों के साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नायर गांव से सामने आया है, जहां पर किसानों की जमीन डैम में डूब में चली जाने से अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिस जमीन पर किसान खेती किसानी कर अपना रोजगार पा रहे थे, लेकिन वहाँ पर चारों तरफ पानी पानी हो जाने से उन्हें किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है और ना ही उन्हें मुआवजा मिल पा रहा है, जिसके लिए अब किसान पिछले 2 वर्षों से दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, लेकिन इनके सूद लेने वाला कोई नहीं है। पीड़ित किसान सुनील महाजन से जब लोकल 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से हमारी जमीन डैम में चली गई है, तब से लेकर हम आज तक मुआवजे के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। 15 ऐसे किसान हैं जिनके करीब 30 एकड़ भूमि पर पानी पानी हो गया है। हम इस जमीन पर खेती किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अब पिछले 2 वर्षों से हमारे पास रोजी रोटी के लिए कोई संसाधन नहीं बचा है। हम पहले यहाँ पर खेती किसानी करने के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जब किसानों के मामले को लेकर कलेक्टर भव्य मित्तल से बात की तो उन्होंने कहा कि किसानों ने लिखित में जमीन का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की है, शासन स्तर से बात कर इनका निराकरण किया जाएगा। नायर से क्या समस्या आपकी? जल संसाधन विभाग ने डैम बनाया तो हमारी खेती जैसे पानी में गई, तो उसका मुआवजे के लिए आए हम लोग। कितने किसान हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला? 15 लोग हैं। कितना मुआवजा है, कितनी राशि निकल रही है आपकी? कितनी राशि हमारी? तो 1,80,000 है, किसी की 2 लाख है, किसी की 3 लाख है, ऐसी अलग अलग है। कुल कितनी राशि है ये? कुल तो टोटल नहीं लगाया हमने, तो 15 लोगों की होगी। सब किसानों की? क्या आप पहले वहाँ क्या करते थे, खेती करते थे? क्या करते थे? हाँ, खेती खेती करते। अब कितने दिन से परेशान हो रहे हो आप? 2 साल। 2 साल से। आप कहाँ पर आए हो आज? कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस में आए तो क्या चाहते हो आप? मुआवजा चाहते हो? और क्या? किसानों का मुआवजा। क्या नाम है आपका? सुनील महाजन।